वेल हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलकांत और आप देख रहे हैं हमारे नाप के चैनल डिजाइन यूनिवर्स। सो आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू मेक एन असेंबली। सो मैं पहले आपको दिखा देता हूं, ये एक पार्ट है स्क्रूजैक असेंबली का, कैस्टिंग इसको बोलते हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये बना हुआ है, आप इसको बड़े आराम से बना सकते हैं सर्कल वगैरह पैडिंग करके, या फिर बहुत इजी होगा आपको ये बनाने का रिवॉल्व ऑप्शन से। ये भी देखिए नट इसको बोलते हैं एंड ये भी आपका रिवॉल्व ऑप्शन से ही बना हुआ है। सो इसको कैसे बनाते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, तो ये दोनों पार्ट आज हम इसके अंदर जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए पहले हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैकेनिकल डिजाइन पार्ट डिजाइन जैसे ही जानते हैं हम लोग, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं कास्टिंग वन, क्योंकि मैं पहले से बना के रखा हुआ हूँ एक, तो कास्टिंग वन इसको दे देते हैं। देन ओके, चलिए ये हो गया हमारा न्यू पार्ट, अभी बन के न्यू विंडो बन के रेडी हो गया है। देखिए कास्टिंग पार्ट ये हमारा पहले से बना हुआ है, इसको मैं स्पेसिफिकेशन ट्री से ओपन करता हूँ। तो इसका जो स्केचेस है ना, ये आप थोड़ा देख लीजिए किस तरह से वैल्यूज़ वगैरह है, मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ। तो ये बाकी सारा डायमेंशन जो है ना, ये खुद से भी सेट कर सकते हैं, ये एक्चुअली प्री डिफाइंड था एक बुक में, तो ये मैंने दे दिया हूँ, आप ध्यान से इसको थोड़ा देख लेना। तो ये देखिए जो भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होता है उसका रिवॉल्व ऑप्शन से बनाया जाता है एंड हाफ उसका रेडियस का वैल्यू लिया जाता है। तो आगे जाके दिखा देता हूँ। देन पहले इसको ड्राइंग करेंगे प्लेन, देन स्केच, देन अभी हम लोग कौन सा लेंगे, ये वाला प्रोफाइल ऑप्शन लेंगे। देन यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। देखिए किस तरह से इसको मैं कोलिनियर करके ही कर रहा हूँ, देन थोड़ा सा ऊपर, देन थोड़ा एंगल करके, देन यहाँ से लेफ्ट साइड में थोड़ा सा करेंगे, देन ऊपर सीधा, देन राइट क्लिक, देन उसका थोड़ा नीचे, देन ये पैरेलल लाइन आएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे, देन थोड़ा लेफ्ट में, ठीक है, देन नीचे, देन जॉइंट। बिल्कुल आपको इस तरह से एक प्रोफाइल ड्रॉप स्केच जिसको बोलते हैं बना देना है। ड्रॉप स्केच बनाने के बाद हम बाद में इसको वैल्यूज़ वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं जिस तरह से इसका रिलेशन सब अभी कॉन्स्टेंट निकाल रहा हूँ। कॉन्स्टेंट मीन्स क्या है, आपका एक रिलेशन होता है, तो रिलेशन हम जनरेट कर रहे हैं। रिलेशन किस तरह, बहुत सारे तरीके से होता है, जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि डायमेंशन से उसका डिफरेंट टाइप डायमेंशंस आर देयर। सो हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं ना, एक रेफरेंस पॉइंट से ही इसका डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। तो इसको एक जगह पे कॉन्स्टेंट करना है, कॉन्स्टेंट करना है, एक जगह पे पोजिशनिंग करना है, ठीक है। तो ये सब वैल्यू हम लोग दे दे रहे हैं, तो ये फुली ग्रीन हो जाएगा। देखिए अब ये टोटल डिस्टेंस हमको शायद नहीं चाहिए, नहीं नहीं ये टोटल डिस्टेंस हमको नहीं चाहिए था, ये पार्ट का जो पैरेलल पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला से नीचे वाले तक का एक डिस्टेंस, ठीक है। जो जो गिवन डिस्टेंस है वही ही आपको देना है, अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है देन आप खुद से दे सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए। सो इट्स अप टू यू। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पैरेलल बीच के डिस्टेंस है इसको तो हम लोग दे दिए, देन अभी यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा डिस्टेंस, ठीक है, देन यहाँ से एक वही से वर्टिकल प्लेन से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब कहाँ रह गया, अब ये दोनों के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा, सॉरी हाँ ये उसका हाइट रहेगा कुछ, ये चला गया ना, उसको थोड़ा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए ये हाइट आपका गिवन चल दिया गया है, ठीक है। तो एंड इस दोनों के बीच में भी कुछ डिस्टेंस है एंड यहाँ से ये जो पॉइंट है लास्ट पॉइंट से एक डिस्टेंस है आपको दिया गया है, तो ये दोनों तीनों पॉइंट हम लोग दे देंगे। तो चलिए पहले हाइट का प्रॉब्लम जो है यहाँ पे को क्लियर कर देते हैं। चलिए हाइट देखिए धीरे धीरे पार्शियली कॉन्स्टेंट हो रहा है, बीच का डिस्टेंस दे दीजिए एंड इसको थोड़ा सा नीचे लेके आइए, ये पॉइंट से लेके आपका वर्टिकल लाइन के बीच में एक डिस्टेंस दे देना है, ठीक। अब देखिए ये जो आपका व्हाइट कलर में आ रहा है, क्यों आ रहा है, अभी फुल्ली कॉन्स्टेंट नहीं हुआ है, इसको पकड़ के अगर मैं खींचूँगा तो देखिए कौन सा लाइन आगे पीछे हो रहा है, तो उसी बीच में हम लोग को एक डिस्टेंस देना है, ठीक है। उसी बीच में डिस्टेंस मतलब देखिए मैं दिखा देता हूँ। सो यहाँ से ये लाइन से लेके, नहीं ये वाला पॉइंट जो है ना, देखिए थोड़ा मैं दिखाता हूँ, ये वाला पॉइंट से लेके ये वर्टिकल लाइन के बीच में एक डिस्टेंस रहेगा, ठीक है, जो कि आपका 50 रह जाएगा। वो जो गिवन है वो आपको दिखा दूंगा मैं डायमेंशंस देके।
सो चलिए अभी इतना होने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा कॉन्स्टेंट में एडिट मल्टी कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, बाकी सारा सारा जो भी आप दिए गए हैं ना, देखिए यहाँ पे आपको करंट वैल्यू दिखा रहा है, इतना आपको मॉडिफाई करना है 100, ठीक है। तो 100 बाई 2 करना है, 100 नहीं करना, 100 बाई 2 करना है, क्यों? क्योंकि आपका रिवॉल्व होगा, मीन्स आधा होगा, तो जब घूम जाएगा तो फुल हो जाएगा। तो हमेशा जो भी आपको दिया गया होगा गिवन में फुल दिया होगा, तो 65 दिया गया है तो 65/2। देन अभी ये टोटल डिस्टेंस दिया गया है, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा वो चलेगा, मतलब दोनों पार्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका 9 तो 9 रहेगा, ठीक है। एंड ये आपका देखिए टोटल 20 है तो 20 रहेगा। ये ऑफ जो ऑफ डिस्टेंस रहेगा मतलब वर्टिकल डिस्टेंस, उसी को ही हम लोग फुल देंगे। जो राइट साइड रहेगा मीन्स जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा, उस साइड में अगर आपका रिवॉल्व हो रहा है उसी को एक्सिस रख के, देन उसका आधा रहेगा। मैं दिखा दूंगा आगे जाके, ठीक है। करंट वैल्यू 25, चलिए एंटर नहीं करना है, बस आपको क्लिक कर देना है तो वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। एंड ये डिस्टेंस कितना है देखिए, यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 125, चलिए। एंड ये वाला 45, तो कुछ इस तरीके से आपको 40 डिस्टेंस आपको दे देना है। तो बिल्कुल आप जो जो भी डिस्टेंस गिवन है बुक में, तो मैं यहाँ पे सारा का सारा वैल्यू दे देता हूँ। ये अच्छा ये वाला यहाँ से नहीं, यहाँ ठीक है। देन करंट वैल्यू का सिलेक्ट करके 50 कर दीजिए, जो 100 था, एंड ये आपका 70 हो जाएगा जो कि 140 था। तो अभी मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़े हैं, तो सारा का सारा जब हो जाएगा देन आपको ओके प्रेस कर देना है। देखिए वो अपनी प्लेस में चला गया, एक भी गलती करेंगे तो वो सही से नहीं आएगा, इधर उधर हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से इसको करना है। जब ये हो जाएगा देन आपको क्या करना है, रिवॉल्व ऑप्शन का यूज करेंगे हम लोग। तो रिवॉल्व ऑप्शन का यूज मतलब क्या होता है, एडिंग मटेरियल विथ रोटेशन, ठीक है। तो ये रोटेट भी करेगा और मटेरियल ऐड भी करेगा, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको ऐड करेंगे। ये नॉर्मल टू व्यू था, तो अभी हम लोग इसको एग्जिट वर्कबेंच पे चलते हैं, ठीक है। क्लिक करिए, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके शाफ्ट ऑप्शन ढूंढना है। यहाँ पे तो रिवॉल्व नहीं मिलेगा, इसको शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट। तो क्लिक करिए, देन आपको एक्सिस पूछेगा किसके अबाउट रोटेट करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट एंगल दिया गया 360 डिग्री, देन सिलेक्शन जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट हो जाएगा। देन जब ये रोटेट हो जाएगा, देखिए आप जब मैं ओके करता हूँ, एंड यहाँ पे व्यू सिलेक्शन में जाके आपको सेटिंग विथ एजेस करना है। तो सेटिंग विथ एजेस में आप देख सकते हैं किस तरह से ये आपका घूम के रेडी हो गया है। तो रोटेशन वाइज आपका जो मेटेरियल आर्ड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसको रिवॉल्व ऑप्शन से भी डिनोट किया जाता है। तो चलिए ये हो गया, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग इसको बनाते हैं। दूसरा पार्ट क्या था, नट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नहीं पहले इसको क्या करते हैं ना, सेव कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं ना। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ बाद इसको कर लेंगे। डायरेक्टली चलते हैं पार्ट, दो पार्ट पहले बना लेते हैं, सेव तो आपको पता ही है, नहीं तो मैं बता दूंगा। नट इसको 1 करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो आप देखिए प्लेन सिलेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है, जब जितना प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब से प्लेन सिलेक्शन ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो हमेशा मैं आपका वाई जेड प्लेन ही लेता हूँ, तो आप भी ले सकते हैं। तो इसका पास केस थोड़ा देख लीजिए किस तरह से बना हुआ है, देखिए किस तरह से आपका हाफ सेक्शन बना हुआ है, 4.5 जो भी डायमेंशन दिया है इसको हाफ हम इसीलिए बनाए हैं क्योंकि जब ये रिवॉल्व करेगा किसी के अबाउट तो वो रोटेट वाइज मेटल ऐड करेगा। एंड हाँ, ये आपका प्लेन से जितना डिस्टेंस गैप दिख रहा है ना 25, तो टोटल आपका जो बीच में जो गैप रहेगा, देखिए बीच में कितना है 20, तो 20 इधर उधर 20, तो 40 mm का बीच में होल रहेगा, समझ में आ रहा है ना। जब ये रोटेट होगा ना उसी के अबाउट ही रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप जितना करेंगे प्रैक्टिस उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली आप समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं पहले डायमेंशन थोड़ा उसको ऊपर ऊपर ले लेता हूँ, तो अभी 4.5, ये भी 4.5, चलिए ये हो गया टोटल 45। देन इसको हम लोग चलते हैं दूसरे पेज में, तो इस तरह से वाई जेड प्लेन मैंने ले लिया हूँ। एंड यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं प्रोफाइल, तो यहाँ से मैं कुछ करीब करीब ये करता हूँ, ठीक है। तो ऊपर तरफ एंड यहाँ से कट करके आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
हाँ तो अभी ये देखिए प्रोफाइल बन के रेडी है। तो इसको हम लोग क्या करना है, बड़े आराम से इसको आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड वैल्यू यहाँ पे इनपुट करता हूँ। तो जैसे जैसे मैं इनपुट करूँगा, जैसे जैसे मैं यहाँ से इनपुट करता हूँ, आप वैल्यू देख लेते हैं, देख लीजिए कि वो निकल के आ जा रहा है। तो ये एक रफ फिगर है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, रफ फिगर। तो जो भी डायमेंशन यहाँ पे दिख रहा है ना, हमको वहाँ पे इनपुट कर देना है। तो किस तरह से इनपुट होगा आप थोड़ा देख लीजिए। तो सॉरी, देन हम लोग विंडो में चलेंगे। इसमें क्या होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट बना के रखे हुए हैं वो शो करता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू एंड यहाँ वैल्यू दोनों के बीच में कॉन्स्टेंट डायलॉग बॉक्स में जाके देखिए, ये पहले से मेंशन था तो इसलिए पर्पल कलर में आ रहा है, ओवर कंस्टेंट है, इसको हम लोग को अवॉइड करना है। तो अभी ये वाला टोटल डिस्टेंस एक निकाल देंगे, ठीक है, एंड जो कि 45 है, एंड बाद में इसको देंगे। देन यहाँ से थोड़ा सा पहले देख लेते हैं नट का, देखिए ये टोटल 45 चला गया। देन ये 9 है, ऊपर का भी 9 है, तो ये भी दोनों डायमेंशंस आपको देना पड़ेगा। देन आपको वो रेडियस में भी फिलेट देना पड़ेगा, ठीक है, कॉर्नर जिसको बोलते हैं। देन इसका मैं हाइट आपको दिखा देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक हाइट आपका मेंशन है। देन अभी आपका ये वाला हाइट यहाँ से थोड़ा कि ये आगे पीछे हो रहा है ना, तो ये कहाँ से होगा, वर्टिकल लाइन से आगे पीछे हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, चलिए ये हो गया। देन आपको कॉर्नर अप्लाई करना है। कॉर्नर मीन्स क्या होता है, स्मूथिंग द एज, स्मूथ करना एज को, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ, एंड यहाँ इसका वैल्यू में जो है यहाँ पे 4.5 पहले दे देता हूँ डबल क्लिक करके। नहीं तो आप इसको डायरेक्टली एडिट मल्टी कॉन्स्ट्रक्ट में भी आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो इसको पहले देख लेते हैं, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। पहले चलिए एडिट मल्टी कॉन्स्ट्रक्ट, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी 4.5 है, एंड हाँ ये जो डिस्टेंस है हमको कितना है, 9 देना है। चलिए इसको डायरेक्ट एंटर मत करना है कि ओके मत करना, ठीक है, पहले हर एक डिस्टेंस को मेजर करके दे देना है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास, एक सेकेंड, 44, चलिए, एंड ये डिस्टेंस कितना था, 9, चलिए, एंड ये टोटल हाइट कितना था, 45, चलिए इसको 45 कर देते हैं जी। देन ये ऑफसेट 15 का कितना था, वहाँ से 35, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस कितना था, 25, ठीक है। तो बिल्कुल आपको इस तरह से कर देना है। एक सेकेंड, ये कितने में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, हम लोग डायमेंशन से यहाँ पे जो दिए हैं यहाँ पे गड़बड़ी लग रहा है। ये 25 यहाँ से यहाँ तक 35, नहीं नहीं ये तो नहीं था, ये मैंने एक्चुअली गलत कर दिया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लोग इससे कर सकते हैं। ये वाला आपका हो जाएगा कितना, वो 50 था, एक 40 था ना, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल जेड करके। कंट्रोल जेड करने से क्या होता है, जो प्रीवियस एलिमेंट होते हैं उधर चला जाता है। तो इसको डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं इसको 45। देखिए डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्लिक भी कर रहा हूँ तो हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद रखिए हमेशा छोटे वाले डायमेंशन ही शुरू करना है। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको छोटे वाले डायमेंशन जो है उसी से ही शुरू करना है, ठीक है। देन ये आपका हो जाएगा कितना, 50 था, तो ये आपका डबल क्लिक करके 25 इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे गलती किए थे हम लोग, मैं कर दिया था यहाँ पे 35 कर दिया था, ठीक है, एंड इसको मैं 25 कर दिया था, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा इसको ध्यान से करना है, गलती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मार्क्स नहीं कटने वाला है, ठीक है, पर आराम से बड़ी आराम से इसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के टाइम, तो जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा मार्क आएगा। तो 44 हो गया, देखिए तो अभी ये तो 44.5 था ही, तो इसको थोड़ा सा मैं खींच के बाहर ले आता हूँ। तो अभी कंप्लीट फिगर हमारा रेडी है, इसको क्या करेंगे, एग्जिट विथ वर्कबेंच। देन अभी शाफ्ट का ऑप्शन यूज करेंगे। देन यहाँ पे डायरेक्टली मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, तो ये देखिए बड़े आराम से घूम गया है, एंड बीच में जो होल हुआ है शेडिंग विथ एडजस्ट कर देते हैं। बीच में जो होल हुआ है कितना का होगा याद करिए, जो कि आप 20 का था तो 40 का हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसी तरह से ये बड़ी आराम से बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड एक जगह आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ना थ्रेडिंग दिख रहा होगा, पहले फिगर हम लोग जो बनाए थे, मैं जो बना के रखा हुआ हूँ उसमें आपको थ्रेडिंग दिख रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए। तो ये जो
यहाँ पे इसको एग्जिट करते हैं। चलिए, ये जो हम बना के रखा हुआ ये थ्रेडिंग दिख रहा है ना, ये एक्चुअली क्या है, वो कास्टिंग एक है और एक पार्ट है इसके अंदर वो लगेगा। तो हमको इसमें क्या करना है, थ्रेड बनाना है। तो चलिए इसको थ्रेड कैसे बनाते हैं मैं दिखाता हूँ। प्लेन सिलेक्ट करना है, कोई भी वर्टिकल प्लेन ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट क्रिएट करना है, एक कोलिनियर पॉइंट कर देंगे वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। देन ये इसको डिस्टेंस देंगे 20 का। क्यों देंगे 20 का, क्योंकि 20 से ही हमारा थ्रेड बनना शुरू होगा ना, तो ज़्यादा हम लोग यहाँ पे नहीं दे सकते। तो चलिए इसको एग्जिट करते हैं। एग्जिट भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग अभी सेफ डिज़ाइन जनरेटिव सेट डिज़ाइन में क्यों गए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हेलिक्स बनाना है। तो हेलिक्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपका सरफेस पे मिल जाएगा। इसको खींच के लेता हूँ, सॉरी ये वायर फ्रेम टूल बार है, इसके अंदर आपको आराम से मिल जाएगा। वायर फ्रेम क्रिएट करना है ना, तो यहाँ से हम लोग जो माउस वगैरह बनाए थे याद है ना, वायर फ्रेम वाला, तो उसी में ही ये बना के रेडी है। देन जेड एक्सिस, देन अभी हमको क्या करना है, इसमें टोटल हाइट देना है। टोटल हाइट कितना है यहाँ पे, 45, तो यहाँ पे 45 कर दीजिए। अच्छा, हमको कितना राउंड चाहिए, हमको 8 या 9 चाहिए, तो यहाँ पे 5 या पिच कितना कर देंगे, आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, डिवाइड करना है बस। 5 अगर पिच करेंगे तो हमारा टोटल बन जाएगा 8 या 9 बन जाएगा। तो ये 9 बन गया। तो अभी आपको फिलहाल क्या करना है, जिस वाला प्लेन पे ही वो पॉइंट शुरू हुआ है उसी पे स्केच फिर से बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे एक रेक्टेंगल हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए सेंटर रेक्टेंगल ही बनाना है, क्योंकि इसका जो सेंटर पॉइंट होता है वो कोइंसिडेंस बड़े आराम से इजीली हो जाता है। तो पहले हम लोग सेंटर रेक्टेंगल बना लेते हैं। एंड इसका जो डायमेंशन रहेगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर, वो कितना दे सकता है थ्रेडिंग के हिसाब से, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ज़्यादातर हम लोग 4, 5, 3, 2 इस तरह से रखते हैं। तो यहाँ पे मैं 3, 2 का वैल्यू जो लेता हूँ, 3, 2, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्या हो रहा है, इधर वाइट कलर का आ रहा है, इधर उधर जा रहा है। तो ये पॉइंट एंड इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है रेक्टेंगल का, जो कि हमारा मिल गया, इसको कोइंसिडेंस हम लोग कर सकते हैं बड़े आराम से। तो ये हो गया, एक्चुअल विथ वर्कबेंच कर लेते हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग कट करेंगे या ऐड करेंगे, दो चीज़ हैं। हम यहाँ पे स्लॉट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो स्लॉट करने से क्या होता है, वो कट करके ही आपको थ्रेडिंग उसमें देगा। क्योंकि ये नट है, इसीलिए आपका ये कटिंग करना है। बोल्ट रहता तो हम लोग इस पर क्या करते, रिब करते, ठीक है। वो तो बात की बात है, अभी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ओके कर देना है। देखिए किस तरह से ये बन के रेडी हो गया है। चलिए, जब ये हो जाता है तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप थोड़ा गौर करेंगे। ये जो घूम के आया है ना थ्रेडिंग, ये गलत है। गलत कैसा है, क्योंकि वो जो आपका रेक्टेंगल था ना, वो एक एंगल में घूम रहा था। उसका जो पाथ था, हेलिकल पाथ था ना, वो एंगल में घूम रहा था। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको कट कर देते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल। देखिए यहाँ आपको थोड़ा सा अलग दिखता हुआ नज़र आएगा, जब मैं सही करूँगा तो पता। देखिए थोड़ा सा एंगल में घूम के गया है। अब थोड़ा बारीक से देखेंगे तो पता चल जाएगा वो थ्रेडिंग सही नहीं है। तो ये थ्रेडिंग को सही कैसे बनाएंगे, कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आराम से आपको बना सकते हैं। डबल क्लिक करिए, जब आप इसमें रिब या स्लट बनाते हैं ना, हमको एक पुलिंग डायरेक्शन इसमें सेलेक्ट करना है। कैसे, देखिए तो ये जो कीप एंगल आपको ऊपर, देखिए कीप एंगल जो दिखा है ना, इसको आप सिलेक्ट करिए, पुलिंग डायरेक्शन को सिलेक्ट करिए। एक नीचे से जहाँ से ये शुरू हुआ है वो वाला एक सरफेस, प्लेन सरफेस को क्रिएट कर दीजिए। देन ओके, ठीक है। देन आप जब इसको ओके करेंगे, देन अब ये ओके, देखिए पूरा एग्जाम रेडी हो गया है। क्योंकि वो जो रेक्टेंगल था जो हम लोग बनाए थे, वो एक सीधा में ही रोटेट करेगा। देखिए जब इसको मैं कट करूँगा तो आप थोड़ा देख सकते हैं डिफरेंस, अब पता चला। देखिए ये कितना सीधा है, मतलब रेक्टेंगल जिस टाइप का था उसी टाइप का वो थ्रेड बना हुआ है, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं बनाएंगे तो वो क्या होगा, एंगुलरली कट होगा, वो सही नहीं है। तो बहुत सारा प्रोसेस है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो बस स्लॉट को ओपन करना है, पुलिंग डायरेक्शन को सिलेक्ट करना है, देन नीचे का सरफेस क्लिक कर देना है, पुलिंग डायरेक्शन, ठीक है, सिलेक्ट कर देना है। देन नीचे का जो सिलेक्शन सरफेस है वो आपको सिलेक्ट कर देना है, जहाँ से हेलिक्स शुरू हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये बनके रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये नट का भी हमारा हो गया है। तो यहाँ पे
हम क्या सीखे यहाँ पे, रिवॉल्व ऑप्शन का यूज सीखे डायरेक्टली, किस तरह से रिवॉल्व ऑप्शन यूज होता है, कॉन्स्टेंट भी कैसे दिया जाता है फिर से सीख ली। एंड इसमें हम लोग अप्लाई मटेरियल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप यहाँ पे मटेरियल अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा आपको इतना प्रैक्टिस करेंगे, अपने हिसाब से डायमेंशंस देखिए, नेट से भी डाउनलोड करिए। तो देखिए इस तरह से ये हम एल्युमिनियम इसमें डाल दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। एंड आपका अगर कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, ठीक है। सो ये तो समझ में आया ना किस तरह से बना जाता है, तो इसको ज़रूर ही ट्राई करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अगर आप चैनल में नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए। एंड इसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करिए। सो हमको क्या होता है ना, इसमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो क्या अब इसको करना है, हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि इसको किस तरह से असेंबल करना है, वो भी हमको दिखाऊंगा। देन यहाँ पे देखिए मैं ऑलरेडी बना के रखा हुआ हूँ स्क्रियोजैक। एक आपको क्या करना है ना, फोल्डर बना के रखना है, जिससे मैं दिखा देता हूँ। सेबाज में जाके कोई दूसरा फोल्डर में बनाता हूँ, ई में बनाता हूँ, कुछ दूसरा ड्राइव में रखता हूँ, उसको डी में रखता हूँ, ठीक है। तो डी में डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक एंड न्यू फोल्डर में बना देता हूँ, यहाँ पे असेंबली ऑफ स्क्रू जैक। चलिए जैसे कि हो गया। तो इसके अंदर हमको जाके क्या करना है ना, आपको पार्ट नेम देखिए ऑलरेडी मेंशन है, अगर नहीं होगा तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। डॉट कैट पार्ट में ये सेव होता है, ठीक है। देन दूसरा वाला पार्ट हम लोग क्या बनाते हैं, कास्टिंग वन, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सेव करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। ये तो पहले सेव कर लेते हैं, सेबाज में जाएंगे तो वही वाला आ गया असेंबली ऑफ क्रूजैक। देखिए इसमें हम लोग कास्टिंग वन इसको सेव कर लीजिए, ये हो गया। तो ये दोनों तो हो गया, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं बाद में, इसको जितना सुंदर आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि आप सरफेस को सिलेक्ट करिए, इसको घुमा के थोड़ा देख सकते हैं, राइट क्लिक प्रॉपर्टी, हमेशा प्रॉपर्टी में जाके आपको क्या करना है, इसका कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ये मटेरियल नहीं है, ये बस कलर है जिस जो आप उसके ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।